हैंडल ऑफ अ ग्रास रोलर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। पहले ग्लास रोलर को ही समझ लें कैसा होता है। आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा, एक सिलेंडर टाइप का होता है, सिलेंडर ही होता है और वो इस शेप में रहता है, मतलब ऐसे एक हैंडल लगा देते हैं, यहां पे हैंडल को मैं रेड बना देता हूं, ठीक है, इधर से भी निकला हुआ, ठीक, हैंडल थोड़ा बाहर निकाल देता हूं, ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो ये हैंडल आदमी की हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप बस इसको ऊपर नीचे करते रहिए, हिलाते रहिए। तो जब आप एक तरीके से इसको ऊपर नीचे करते हैं तो पूरा हैंडल एक साथ ऐसे होता है, तो कोई भी इसे चला सकता है। अच्छा, इसको ये कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी हो। और नीचे घास होती है उसको दबा देते हैं, सब पता होगा यार, क्रिकेट ग्राउंड में आपने देखा होगा, टीवी में एटलीस्ट देखा होगा, क्रिकेट ग्राउंड तो मैं भी कभी नहीं गया अभी तक। तो अब ये एंगल जो है ये चेंज होता रहता है, मैंने सिर्फ इसका इधर फ्रंट व्यू बना दिया है इसका, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। दिस इज 30 डिग्री और आपसे बोला गया है 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और वो कैसा है, 30 डिग्री है। आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। बिल्कुल ही आसान सवाल है, इसे लोल सवाल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, एफ एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है, लिख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट का केवल मैग्नीट्यूड बताना, तो डायरेक्शन की ज्यादा चिंता नहीं करनी है हमें। कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस 30 डिग्री, सीधे लिखे दे रहा हूं मैं वही है। फिर वर्टिकल में कॉस आएगा क्या, गलत हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ, इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा, कैसे, अरे यार ये वर्टिकल है तो ये यहां आ गया, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये यहां आ गया, थीटा मैंने पहले ही रख दिया, आपका मर्जी, आप यहां थीटा लिख लो और भाई लंबा करके करना है क्वेश्चन को, कर लो। एफ आपको कितना दिया हुआ, 50 न्यूटन, तो 50 sin 30 डिग्री, 50 × 1/2, तो ये हो गया कितना, 25 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, 50 cos 30 डिग्री, 50 × √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 25√3 न्यूटन, जो कि √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 44। मतलब यार 1.732 अपना रख देना यहां पे, ये सब मल्टीप्लाई वगैरह आप कर ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमें एफ तो दिया ही था इतना, 50 न्यूटन, तो बस कॉपी कर लीजिए, इतना ही लिखना था यहां पे।